हेलो एवरीवन, आज के डायनिंग के अगर आपके व्हाट्सएप में लिंक ए डिवाइस का ऑप्शन नहीं आ रहा तो कैसे आप लोग व्हाट्सएप में लिंक ए डिवाइस का ऑप्शन ला सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अभी मेरे पास दो फोन है, ठीक है। एंड यहाँ पर पहले वाले फोन में, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर पहले वाले फोन में यहाँ पर देख सकते हैं लिंक ए डिवाइस का ऑप्शन नहीं आ रहा है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दूसरे वाले फोन में यहाँ पर लिंक ए डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आपके बीच व्हाट्सएप में लिंक ए डिवाइस का ऑप्शन नहीं आ रहा और आप लोग व्हाट्सएप में लिंक ए डिवाइस का ऑप्शन लाना चाहते हैं तो किस तरीके से आप लोग जो है व्हाट्सएप में लिंक ए डिवाइस का ऑप्शन ला सकते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो में जानेंगे कि आप लोग जो है एक व्हाट्सएप को दो फोन में कैसे चला सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो मेरा पहला वाला फोन है इसमें लिंक ए डिवाइस का ऑप्शन नहीं आ रहा है, और इसी में मैं आपको लिंक ए डिवाइस का ऑप्शन ला कर दिखाऊंगा। तो अगर आपके फोन में जो है लिंक ए डिवाइस का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पर अपने फोन के सेटिंग में जाना है। अपने फोन के सेटिंग में जाने पर यहाँ पर थोड़ा आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, और जैसे आप लोग स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा अबाउट डिवाइस का। सिंपली आप लोगों को अबाउट डिवाइस पर क्लिक करना, एंड यहाँ पर आपको जो है एक ऑप्शन देखने को लगा वर्जन का। सिंपली आप लोगों को वर्जन पर क्लिक करना, वर्जन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है फर्स्ट नंबर पे एक ऑप्शन देखेगा बिल्ड नंबर का। सिंपली आप लोगों को बिल्ड नंबर पर आप लोगों को 7 बार टैप करना है, 7 बार आप लोगों को बिल्ड नंबर पर टैप करना है, और यहाँ पर आपके फ़ोन में जो है यहाँ पर जो डेवलपर मोड होता है वो यहाँ पर ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को बैक आ जाना, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर जो बिल्ड नंबर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता तो आप लोगों को बैक आना, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च बार देखने को मिलेगा। सिंपली आप लोगों को सर्च बार पर क्लिक करना, ठीक है। एंड यहाँ पर आप लोगों को टाइप करके सर्च करना बिल्ड नंबर। जैसे आप लोग यहाँ पर बिल्ड नंबर टाइप करके सर्च करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो बिल्ड नंबर का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सिंपली आप लोगों को बिल्ड नंबर पर क्लिक करना, और यहाँ पर आप लोगों को 7 बार टाइप करना, और आपके फोन में जो डेवलपर मोड का ऑप्शन होता है वो यहाँ पर ऑन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को बैक आ जाना, और बैक आने के बाद यहाँ पर अब आप लोगों को यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करना, एंड यहाँ पर आप लोगों को टाइप करके सर्च करना डेवलपर। जैसे आप लोग डेवलपर टाइप करके सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो आपके फ़ोन में एक ऑप्शन देखने मिलेगा डेवलपर ऑप्शन। सिंपली आप लोगों को जो है डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करना, एंड यहाँ पर जो डेवलपर ऑप्शन है वो यहाँ पर ऑन होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा नीचे जाना, ठीक है, और इस तरीके से आपको और थोड़ा नीचे आना, और जैसे आप लोग थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्मॉल विड्थ का। तो सिंपली आप लोगों को स्मॉल विड्थ पर क्लिक करना, एंड यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो स्मॉल विड्थ है वो यहाँ पर 360 ही है, तो यहाँ पर जितना पॉलिश है, ठीक है, उसको आप लोगों को यहाँ पर देख लेना, ठीक है। और यहाँ पर जो पॉलिश है उसको आप लोगों को यहाँ पर जो हटा देना है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप लोगों को जो है और यहाँ पर आप लोगों को जो है 500 कर देना है, एंड यहाँ पर सिंपली आप लोगों को सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके मोबाइल का जो पूरा फंक्शन है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप लोगों को बैक आना, बैक आने के बाद यहाँ पर दोबारा से आप लोगों को व्हाट्सअप ओपन करना है, एंड व्हाट्सअप ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही आप लोग 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके जो है व्हाट्सएप में लिंक ए डिवाइस का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर लिंक ए डिवाइस पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो एक QR कोड देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास दो फोन है, एंड यहाँ पर मैं आपको दूसरे वाले फ़ोन का व्हाट्सएप में आपको पहले वाले फ़ोन में चला कर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, जिस फोन का आप लोग व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं उस फोन का आप लोगों को व्हाट्सएप ओपन कर लेना, एंड व्हाट्सएप ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को 3 डॉट पर क्लिक करना, एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को लगा लिंक डिवाइस का। सिंपली आप लोगों को लिंक डिवाइस पर क्लिक करना, एंड यहाँ पर आप लोगों को लिंक ए डिवाइस पर क्लिक करना, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो आपके फ़ोन का कैमरा होगा वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, एंड यहाँ पर जो QR कोड है, ठीक है, जो आपके पहले वाले फ़ोन में QR कोड है उसको आप लोगों को यहाँ पर स्कैन करना है, ठीक है। और जैसे आप लोग QR कोड को स्कैन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका सारा चैट होगा वो आपके पहले वाले फ़ोन में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है एक व्हाट्सएप को आप लोग दो फोन में चला सकते हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जो है बैक आ जाना, ठीक है, और बैक आने के बाद यहाँ पर और यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे मोबाइल का फंक्शन है वो यहाँ पर पूरा चेंज हो चुका है, ठीक है। जो यहाँ पर फ़ॉन्ट वगैरह है वो काफ़ी यहाँ पर छोटा छोटा हमें देखने को मिल रहा है। तो इसको दोबारा से आप लोग सही कैसे करेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर बैक आना, और बैक आने के बाद यहाँ पर दोबारा से आप लोगों को फ़ोन के सेटिंग में जाना, ठीक है। एंड यहाँ पर आप लोगों को दोबारा से सर्च बार पर क्लिक करना, एंड यहाँ पर आप लोगों को डेवलपर ऑप्शन टाइप करके सर्च करना। जैसे आप लोग डेवलपर ऑप्शन टाइप करके सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आप लोगों को जो है डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करना, और डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा आपको जो है नीचे जाना। जैसे आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो जो स्मॉल विड्थ का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आप लोगों को स्मॉल विड्थ पर क्लिक करना, एंड यहाँ पर जो 500 है उसको आप लोगों को हटाकर जितना पहले था उतना आप लोगों को कर देना। जैसे यहाँ पर पहले 360 था, यहाँ पर मैं जो है दोबारा से 360 कर देता हूँ, एंड यहाँ पर सिंपली मैं सेव पर क्लिक कर देता हूँ।
सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका मोबाइल होगा ठीक है वो पहले जैसा हो जाएगा ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो चैट वगैरह है ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आपको व्हाट्सएप में पहले जैसा आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है। इस तरीके से आप लोग जो एक व्हाट्सएप को दो फोन में चला सकते हैं। और अगर आपको व्हाट्सएप में लिंक ए डिवाइस का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप लोग जो व्हाट्सएप में लिंक ए डिवाइस का ऑप्शन ला सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड जो उसके बगल में बेल का आइकन देखने को मिलेगा उस पर क्लिक करके ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो सबसे पहले है।